आग लगी थी कहीं पर, एक चिड़िया थी वो चोंच भर के पानी की और उस आग को बुझा रही थी, तो कई जानवर हंस रहे थे, बोला देख बावली होगी, पता उसने क्या बोला, उसने बोला जब गिनती होगी ना आग बुझाने वालों में तो मेरी गिनती होगी, तमाशों वालों में नहीं होगी। आप लोगों की गिनती होगी युवाओं के लिए रैली करने में, भागदौड़ करने में, आंदोलन करने में। आज हम सब एकत्रित हुए हैं ना, ये छोटी सी एक चिंगारी है, बड़ी आग बनेगी थोड़े दिन बाद में। विजय भाई युवा शक्ति का नेतृत्व करते हैं, मैं तीसरा प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, पहले वृक्षारोपण करवाया था, दूसरा लोनगंज से रैली करवाई थी, तो जो मैराथन करवाया था, और तीसरा प्रोग्राम ये। तो सबसे पहले तो विजय भाई को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि हम युवा शक्ति को एकत्रित करके और बार बार ये संगठित करके और नई ऊर्जा भरते हैं हम युवा साथियों में सब में ना। तो सबसे पहले विजय भाई के लिए ताली बजाओ आप लोग। दूसरा साथियों, जनरल साहब ने बोला था, विपिन रावत साहब ने, सेना में कोई रोजगार की आवश्यकता से रहना तो सेना ना ज्वाइन करे। सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है, ये तो जोश जुनून का एक संगम है जो देश पर जान न्योछावर करने के लिए अपने आप में पैदा होता है, समझ रहे हो बात को ना। इसलिए आप जो जो सेना की तैयारी कर रहे हैं ना, जी जान लगा के तैयारी करते रहो, जल्द से जल्द इस प्रकार के आंदोलन और भी हो रहे हैं, पिछले 5 तारीख को था, 8 तारीख को फिर हो रहा है, तो महीने या 2 महीने में सब चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी। कुछ टूर ऑफ ड्यूटी का बीच में छापा चल रहा है एक, जो कि बीच में कुछ लोग बोल रहे थे अफसर के लिए नहीं है, जवान के लिए आने वाला, जैसे इसराइल और चाइना पैटर्न है उस तरह से। तो जैसे टूर ऑफ ड्यूटी का छापा चल रहा है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो भर्ती भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा हमारे को। लेकिन जब जब इस प्रकार के आंदोलन या प्रोग्राम होते हैं ना, तो जी जान लगा के आप खुद साथ जुड़ें और अपने जो साथी हैं उन सब को मोटिवेट करें और उनको एक प्लेटफार्म के नीचे लेके आएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Yeah.